हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच। एक्चुअली सीएनसी में हम लोग दो तरह के प्रेशर स्विच यूज़ करते हैं। एक होता है लुब्रिकेशन के लिए, मोस्टली बता रहे हैं कि एक होता है लुब्रिकेशन वाला प्रेशर स्विच और एक होता है हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच। यहाँ हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच देखते हैं, ये कंपनी एटॉस की कंपनी का है हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच। इसका बेसिक काम ये रहता है कि जब भी ऑयल यहाँ से फ्लो होता है तो उसका एक मिनिमम स्पीड होती है, जैसे मिनिमम स्पीड इन द सेंस उसका बार का प्रेशर। तो क्या होता है, उस बार के प्रेशर की वजह से यह एक सिग्नल जनरेट, ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक्चुअली इसमें एक कनेक्टर लगेगा, ये कनेक्शन है उसका, तो यहाँ से एक कनेक्टर लगेगा, उसके थ्रू सिग्नल जाता है पीएलसी को। मैं आपको आगे बताऊँगा उसका कनेक्शन एक्चुअली में होता कैसे है। और जैसे इसका एक्चुअली टैग नेम है, मैप का है, मैप 160 एटॉस कंपनी का 20 बार का, जिसको एडजस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। ये जो पीछे नीब दिया हुआ है इससे हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके वैल्यू को, कि जब भी जैसे इसका फ़्लो बाई चांस मेरा ऑयल का फ़्लो कम आ रहा है, उस समय भी मेरे को फीडबैक, इससे फीडबैक सिग्नल चाहिए, तो मैं यहाँ पीछे से इसके होल्डर जो दिया हुआ है उससे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली प्रेशर स्विच का यूज़ जो है फीडबैक के लिए यूज़ होता है, कि कहीं भी किसी भी पाइपलाइन में अगर प्रेशर स्विच मेरा एक्चुअली प्रेशर ऑयल फ्लो हो रहा है तो उसका जो सिग्नल है एक तरह तरीके से मेरे को पता चले कि इतने प्रेशर से सिग्नल, इतने प्रेशर से ऑयल जो फ्लो हो रहा है, ऐसे मेरे को सिग्नल इसका मिल जाता है प्रेशर स्विच की मदद से, जो कि सिग्नल जाता है पीएलसी को। मैं आगे पीएलसी का इसका सिग्नल दिखाता हूँ साथ में इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी। ये है मेरा हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच का इलेक्ट्रिकल डायग्राम। जैसे ये जो प्रेशर लिखा है मैंने पी, ये इंडिकेट कर रहा है ऑयल के फ्लो को, और जो वन है ये इसका नॉर्मली कॉमन है, जो नॉर्मली थोड़ी देर के लिए कनेक्ट रहता है ये। फिर जैसे ही इसमें फ्लो आता है पी से, तो ये जो कनेक्शन है 24 वोल्ट का, एक्चुअली 24 वोल्ट का, ये जुड़ जाता है मेरा टू नंबर से, जो कि पीएलसी को सिग्नल जाता है और इंडिकेट करता है कि हाँ प्रेशर जो है मेरा फ्लो वो ओके है। एक्चुअली पीएलसी यहाँ पीएलसी के डीआई को जाता है। पीएलसी में दो कार्ड लग रहते हैं, डीआई और डीओ, और ये डिजिटल के लिए, और एक रहता है एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। तो मोस्टली ये जो सिग्नल जनरेट करता है प्रेशर स्विच मेरा हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच, वो डिजिटल सिग्नल होता है।